हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। वैसे आज हम बात करेंगे डिलीवरी होने के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद जो मोटापा आ जाता है, पेट बढ़ जाता है, उसे हम कम कैसे करें, तो आइए जाने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप में से कई मेरी बहनें होगी जो डिलीवरी के बाद मोटी हो जाती हैं और कईयों का पेट निकल जाता है। ये बहुत गंभीर समस्या है, इसको हमने अभी तक सीरियस नहीं लिया तो ये रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर टाइम के साथ साथ बढ़ता ही रहेगा और फिर हम कई बीमारियों को घेर लेगा। इसलिए आप वीडियो ध्यान से देखें और अपने पेट की चर्बी को कम करें। तो आइए जानें, जब आपके स्टिच सही हो जाए तब डॉक्टर से सलाह लेकर टमी विंटर पहनना स्टार्ट कर दें। इससे यह होगा कि जो आपका गर्भाशय डिलीवरी के वक्त फैल गया था, वो टमी विंटर की मदद से वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी और आपकी जो मांसपेशियां सिकुड़ने लग जाएगी और आप ज़्यादा पानी पिए। ज़्यादा पानी पीने से आपका जो फैट जमा होगा वो जमा नहीं होगा और आप सुबह शाम घूमने जाए वो करने से आपके पेट के पास जो फैट जमा है वो जमा नहीं होगा। और आप सुबह उठकर योगा करें, योगा करने से शरीर में स्फूर्ति रहती है। आप ये ना सोचें कि भूखे रहने से आपका पेट कम होगा, ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। हाँ, ज़्यादा सोने से पेट बढ़ता है, इसलिए जितनी ज़रूरत हो नींद की उतनी ही नींद ले। ज़्यादा सोने से आलस होगा और फिर 100% आपका पेट बढ़ेगा। और आप अच्छा खाना खाएं जो पौष्टिक वाला हो, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं, जैसे चिप्स, नमकीन, आलू बैंगन, पकौड़ी इत्यादि, ये सब चीज़ें नहीं खाएं। और आप जापे में यानी डिलीवरी होने के बाद आप क्या बनाकर खाएं, आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।